तो गाइस कैसे आप सब, मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट आशू का कॉल आया। आशू को ना भाई शिकारी कुत्ते ने पाड़ लिया। आशू ड्यूक को घुमाने गया था, बाकी पूरी बात उसने बताई नहीं। गाइस अभी आशू के पास जा रहे हैं, जल्दी चल। आशू को ना भाई शिकारी कुत्ते ने पाड़ लिया पैरों पे। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। क्या हो गया भैया? आशू को पाड़ लिया शिकारी कुत्ते ने। ये आशू, चल 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 भाई साहब। ये देख लो गाइस, ड्यूक का है, ड्यूक का है। ड्यूक भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। मैं तो उसको ढूंढ रहा था, फिर मैं डॉक्टर के गया पहले। पर शिकारी कुत्ते ने पाड़ा है, मतलब कोई भेड़िया भेड़िया था, भेड़िया जैसा ही लग रहा था, बहुत ऐसा ही था यार। तीन चार कुत्ते एकदम लिपट गए यार। तो ड्यूक किसके पीछे भाग गया है? कुत्तों के पीछे भागा था भाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई ड्यूक को ढूंढने, पैंथर को लेके जा रहे हैं साथ में। अभी 4 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, चलते हैं भाई, रात हो जाएगी। पैंथर को ले जल्दी। ओ भाई चलो 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 जल्दी, चलो पकड़े रहना इसको, पकड़े रहना। चलो 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 चलो। एक तो आशू को भी पाड़ लिया और ड्यूक भी भाग गया। छोड़ दे रही है, छोड़ दे, गिर जाएगी। ओ ओ, ये रास्ता कुएं की साइड जा रखा है। कुएं की साइड भागा क्या? यही तक थी, यही लड़ाई हुई थी। एक साइड ये रास्ता भी जा रखा है और एक साइड वो है और एक साइड वो रास्ता है। बहुत सारे रास्ते हैं। ड्यूक गाइस, शिकारी कुत्ते या फिर भेड़िया पता नहीं, तीन चार थे और ड्यूक उनके पीछे भागा था, पता नहीं क्या हुआ होगा। आवाज आ रही है, ये देख लो गाइस, ये कहां पे आ गए हम? इनके बीच में से जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से आवाज आ रही है। कंफर्म भी नहीं है भाई ड्यूक की आवाज है, किसकी आवाज है? ड्यूक की नहीं। ओ भाई कालू मोगली भाई पूरा ढूंढने पे लगा हुआ है ड्यूक को, ये अपने आप ही सारी बात समझ के। गाइस अभी 4:30 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, ड्रोन हम घर पे ही भूल आए थे। गाइस शिटू ना भाई ड्रोन लेने गया है, ड्रोन से चेक करते कि ड्यूक का है। कैसे भी जाना पड़े जाएंगे, यहीं से चलते हैं। चलते हैं भाई, चलो। चल 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 कालू मोगली, चल कालू मोगली। ड्यूक भाई साहब, एक मिनट, आवाज आ रही है गाइस, सामने से आवाज आ रही है। रास्ता है आगे चीनू, रास्ता है भाई। गाइस ये ना भाई कुछ बताना चाह रहा है कालू मोगली, ये कह रहे कि आपको कि आप ना वहाँ पर चलो, ऐसे हाथ मार के कि चलो वहाँ पर। गाइस अभी फिलहाल 4:47 हो गई है, नेटवर्क भी नहीं आ रहे फोन के। ओ बस आराम से चीनू भाई साहब। गाइस रिया गिरा दी पैंथर ने, खींच लिया पैंथर ने। वो सिट्टू आ गया, ये रे ये रे ये रे चिनू, किधर है किधर, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। वॉकी टॉकी भी लिया है गाइस, यहां पे भाई नेटवर्क नहीं आ रहा था तो वॉकी टॉकी भी आ गए। फोन ही नहीं मिल रहा था यार यहां के, आगे चलते थोड़ा। ओ भाई साहब गाइस खुला ग्राउंड आ गया यहां पे, ये देख लो गाइस अभी ये आ गया हमारे सामने, ये एक रास्ता दिख रहा है भाई सामने। ड्यूक आशू चढ़ जाएगा यहां पे, बहुत ऊंचा है ये। ओ भाई आशू गिर गया, मैं आता हूँ, आ जा आ जा आ जा। मैं तो नहीं गई गाइस, यहाँ पर भाई सबको पता चल चुकी है ड्यूक गुम हो गया, तो बहुत लोग ढूंढने लग रहे हैं यहाँ पे। कौन है ये? हमारा भाई है घोड़ी वाला, कह रहा है मैं घोड़ी पे चढ़ के ढूंढूंगा। ओ नहीं ओ नहीं, पैंथू नहीं, पैंथू अपनी गैंग का है वो। गाइस कॉल मोगली और पैंथर भाई घोड़ी के चेप हो रहे हैं। गाइस वो भाई भी ड्यूक को ढूंढने गया है। तो गाइस अभी फिलहाल 5 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया ड्यूक को ढूंढते ढूंढते। तो बस ड्रोन से और चेक कर लेते हैं, ड्रोन की 8 किलोमीटर रेंज है। तो भाई ड्रोन तो उड़ा लिया है, कहीं भी नहीं दिख रहा ड्यूक। ठीक है भाई टीम डिवाइड कर लो, पैंथर को हम ले जाते हैं ठीक है, तुम ना उस साइड से जाओ। हाँ हम इस साइड से जाते हैं, वैसे ना यहाँ पे इतनी घनी झाड़ियाँ नहीं है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज, एक मिनट आवाज आ रही है। मिला मिला ड्यूक मिला, कंट्रोल कर ले इसको, कंट्रोल कर ले, भाग जाएगा पैंथर भी, भाग जाएगा वो, भाग जाएगा भाग जाएगा। ड्यूक मिला, ड्यूक मिला। गाइस कॉल मोगली पूरा ढूंढ रहा है ड्यूक को, अभी फिलहाल 5:30 हो गए हैं, अभी तक ड्यूक नहीं मिला। गाइस एक चीज कंफर्म है, ड्यूक यहीं आसपास है क्योंकि अभी भौंक रहा था। ये पूरे रास्ते चुप था, जब कुछ दिक्कत होती है तभी भौंकता है ये। रुक जा आराम से, आराम से सुन सुन। गाइस कुत्ता रोने की आवाज आ रही है। गाइस पैंथर भाई सामने देख रहा है, शायद सामने है ड्यूक। काटा चुक गया इसके,
गाइस फाइनली ड्यूक ओए पास में ही है। आजा पेंटू ये रहा। गाइस पेंटू ने पहले ही बता दिया सुन के कि ड्यूक कहां पे गया है। हम भी ड्यूक की तरफ जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ओए कालू मोगली भी आ गया, कालू मोगली ड्यूक की तरफ ले जा रहा है। ओ भाई सुन रहे ड्यूक फंसा हुआ है तो गाइस शायद से ना भाई वहां से छलांग मार के आया ड्यूक। पहले तो उस लकड़ी में फंसा और वो लकड़ी टूट गई और फिर ऐसे गोल गोल घूम के ड्यूक यहाँ पे आ गया। इसलिए तो ये भोग के हमारे पास आ नहीं पा रहा था, बस ये भोग भोग रहा था। गाइस मैं भी ये सोच रहा था भाई ड्यूक आ क्यों नहीं रहा हमारे पास पे, हम इतना बोल रहे ड्यूक आ नहीं रहा। तो गाइस ड्यूक को भाई कहीं से भी आवाज मार देते है ना तो ड्यूक भोग के आता है। डंडे में फंसा हुआ था। अरे भाई ये देख लो गाइस 6 बजने वाले हैं। पूरे 2 घंटे बाद फाइनली अंधेरे में ड्यूक मिल गया हमें। एक चीज हो रहा है, मतलब पैंथर अभी 6 महीने का है और गाइस बड़े बड़े कुत्ते डरते हैं इससे। तो जब ये पास आया ना पैंथर, जब इसको कंफर्म हुआ तब बताया पैंथर ने कि भाई ड्यूक आस पास है। ये बदबू किस चीज की है? मैं देखो एक बार उस साइड जाके। 6 बज गए पूरे। चिन ऊपर देख, क्या ऊपर क्या है? हाँ ड्यूक यहाँ पर तो एक कुत्ता पड़ा हुआ है। कुत्ता है वहाँ पे? कुत्ता या भेड़िया क्या? ये बहुत बड़ा लग रहा है। भेड़िया सही लग रहा है भाई, पर ध्यान से नहीं दिख रहा। ड्यूक तूने क्या कर दिया उसको भाई साहब? ओए फिर जा रहा नीचे। नहीं नहीं इसको परास जाने मत दे। दो तीन और थे इसके साथ भाई, मतलब मेन तेरे को इसी ने पाड़ा था। मेन मेरा ये सीधे वाला पैर है ना, इसी ने पकड़ा था, फिर और दो तीनों ने अटैक कर दिया था। ड्यूक ड्यूक तूने क्या किया ये? मतलब इसने आंसू को पाड़ा था ना, तो इस कुत्ते को ड्यूक ने पकड़ लिया, इसके साथ लड़ाई वगैरह करी और गाइस बाकी कुत्तों के पीछे भाग लिया और यहाँ पे आके अटक गया। ये सीन हो गया यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है ये। मैं बता नहीं रहा था भाई कि भेड़िया जैसे लग रहे थे सारे कुत्ते, खतरनाक से कुत्ते थे भाई सारे, ऐसे घुंघराले बाल से। अभी फिलहाल 6:19 हो गई है, यहाँ से ना वापस जाएंगे। खोएंगे नहीं, मेरे पास कंपास है भाई। कल रिया ने मेरे को एप्पल वॉच गिफ्ट करी थी तो गाइस इसमें भाई कंपास भी है। हमें ना साउथ में जाना। ओ भाई ओ ओ भाई शिट्टू गिरा दिया। ओए लगी तो नहीं? क्यों क्या हो गया? ओबे भाई खड़े खड़े। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल चल पेंथू। तो गाइस फाइनली वापस आ गया है और ड्यूक हमें मिल गया है। भाई साहब कितने खतरनाक दांत ड्यूक के। हमने ना भाई ड्यूक का मुंह धो दिया है। और गाइस आज कालू मोगली ने भी पूरा साथ दिया हमारा। तो गाइस ड्यूक अभी खाना खाएगा अपना और हम जा रहे हैं घर पे। आज का हमारा मिशन पूरा हो गया, ड्यूक को फाइनली ढूंढ के लिए आए। गाइस वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना अंदर तक जाना पड़ेगा, एडवेंचर हो गया आज है ना, मजा आ गया। वैसे सस्पेंस क्रिएट हो गया था, डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, इमोशनल भी हो रहे थे, एक्साइटमेंट भी हो रही थी, उम्मीद भी आ रही थी, बहुत सारे इमोशंस इकट्ठे हो रखे थे। अभी भी याद आ रहा है सब कुछ। ओ भाई ये देखो भाई किचन है ही नहीं यहाँ पे, किचन कहाँ गई? शायद मम्मी ने ऊपर शिफ्ट कर लिया, तो ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर देखते हैं, चल 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 जल्दी। ओ भाई तो गाइस मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है, इस गैस में मम्मी खाना बनाएगी, पर अभी यही वाली यूज कर रही है मम्मी, नीचे वाली पुराने वाली। गाइस यहाँ पे ओवन आएंगे और यहाँ पे बहुत सारा सामान आएगा, अभी मम्मी ने कुछ नहीं डाला। जैसे ये पन्नियां उतर जाएगी ना वैसे ही रसोई चमक जाएगी। यहाँ पे मम्मी ने सामान रख लिया। ओए जोजो, ओ भाई ओ ये कहाँ से आया जोजो? भाई साहब जोजो आ गया। गाइस गाइस ये ना भाई हमने खाना भेजने के लिए बनवाया, हमने आपने ये रास्ता बना लिया। जोजो जोजो ओ भाई साहब ये सही है। गाइस मम्मी अभी खाना डाल रही है मेरे। ओ भाई साहब गाइस हमारा रूम भी रेडी हो गया सोने के लिए। आपने रूम रेडी कर दिया आज मेरा? गाइस ये देखो भैया कितना भारी उठा रहे, कितनी मेहनत कर रहे देख। तो गाइस फिलहाल चीनू और मैं खा रहे खाना, आज खाने में मूली के परांठे, अचार, दही। तो अभी खाना खाते हैं और खाना खा के बात करते हैं आपसे। तो गाइस खाना तो हमने खा लिया है और ये देखो भाई चाचा की वीडियो कॉल आई है। चीकी चाचा अच्छा मेरी याद आ रही है आपको? और गाइस ये देखो भाई ये दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं। तो गाइस फिलहाल डांस तो कर लिया है, ये देख लो भाई सारे थक गए।
फिलहाल फाइल्स कॉपी हो रही है। बाकी गाइस आज भाई ड्यूक ने एक शिकारी कुत्ते को पकड़ लिया था। ड्यूक हमें ना आवाज मार मार के बुला रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे हूँ। ड्यूक खुला होता ना तो कब का घर पे आ जाता, उसको ना भाई बोलने की जरूरत भी नहीं होती। पर गाइस आज जैसे मैं घर में आया ना तो मेरा रूम ना भाई मम्मी ने सेटअप कर रखा था। गाइस यहाँ पे थोड़ा सामान बाकी है, आज से मैं यहीं पे सोऊंगा। बाकी गाइस नीचे वाले रूम में ना भाई चीनू मेरे साथ ही सो रहा था, ये इसके आधे जितना ही बेड था और चीनू और मैं ना दोनों एक ही पे सोते थे। गाइस रात को ना भाई एक जना बेड से गिर जाता था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, साथ में जो जो भी सोएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।